सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। शेयर भी जरूर कर दीजिए। वेलकम टू माय चैनल। हेलो गाइस, मैं आज वैष्णो माता जा रहा हूँ। मैं अपने मित्रों के साथ मैं आज जो है वैष्णो माता का पूरा वीडियो दिखाऊंगा। देख सकते हैं जो आज मैं वैष्णो माता की तरफ प्रस्थान कर चुका हूँ। अमरनाथ यात्रा आने के बाद वैष्णो माता की तरफ आज निकल चुका हूँ। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, देख सकते हैं। ये रहा मैं तीनों दोस्त, एकदम गांधी जी के तीन बंदर थे, लेकिन हम मैया के तीन भक्त गए। लोग गाइस देख सकते हैं भीड़े कितने हैं वैष्णो माता जाने के लिए। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वैष्णो माता का दरबार तक पहुँचने के लिए। गाइस जब आप वैष्णो माता आएंगे तो इसी तरह का सैर और रास्ते मिलेंगे, बहुत ही अच्छा रास्ता है। रास्ते में माता जी का जो है, शाम के 5:45 बज चुके हैं। 5:45 बजे मैं चढ़ाई जो है चालू कर दिया हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ बढ़ रहा हूँ, चल रहा हूँ। घोड़े तगड़े हैं। भीड़ देखिए कितने हैं, लाखों लाख के जनसंख्या में जा रहे हैं माता रानी का दर्शन के लिए। देख सकते हैं साई धाम है यहाँ पे। बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है मसाजर है, अपनी थकान दूर सब कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जगह है। ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर नहीं है, शायद आप कंफ्यूज में ना रहे हैं, ये स्टूडियो है। स्टूडियो में आप बैठ के फोटो खिंचवा सकते हैं और जिस तरह से माता के सामने बैठ के आप फोटो देखते होंगे, कुछ तस्वीरें ये यहीं पे खिंचा जाता है। चुनरी बांध के रखे हैं इस प्रकार से हैं। हेलो गाइस, चल रहा हूँ रास्ते में, पसीने से भीग चुका हूँ, देख सकते हैं किस तरह के रास्ते हैं। ये बाबा भोले बर्फानी जी हैं, ये जो हैं हमारे सरस्वती मैया हैं और ये बजरंगबली के हैं। ये देखिए, देख सकते हैं ये मंदिर, ये रास्ते में आपको मिलेंगे, देखिए। कितना बेहतरीन स्टूडियो है,
देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हर एक जगह भोलेनाथ जी का स्टूडियो है, आप जो हैं फोटोग्राफी करा सकती हैं बहुत ही बेहतरीन तरह से। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्यारे बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। देख रहे हैं यहाँ पे हम तीनों फ्रेंड वासी कंजी तरफ पीते हैं क्योंकि पसंद हम दो हमारे तीन हैं, हम दो हमारे तीन भाई हैं। अच्छा देखिए बीच बीच में इस तरह के मंदिर है जो बहुत मिलेंगे आपको, मंगला भोले सबके प्रथम दर्शन मंदिर चरण पादुका ये है यहाँ का मैया का, देख सकते हैं। देखिए यहाँ का नज़ारा और व्यू देख सकते हैं, ये कटरा सिटी का नज़ारा है, देखिए और आनंद लीजिए। देखिए पहाड़ियों का नज़ारा कितनी हसीन और रंगीन है, देखें इस तरह के आप यहाँ पे पहाड़ी देख लीजिए। हर जगह है, एक पैदल रास्ता है जो नॉर्मल जा सकते हैं, एक सीढ़ी की रास्ते हैं, आप दोनों से कोई रास्ता एक चूज कर सकते हैं किस रास्ते से आपको जाना है, देख सकते हैं। यात्री जो है थक चुके हैं, फिर देख रहे हैं ये हमारे भाई साहब हैं साथ जा रहे हैं, ये भी हमारे साथ ही हैं। नहीं नहीं मैं इनके साथ में नहीं हूँ, ये हमारे साथ नहीं है, जबरदस्ती बोल रहे ये हमारे साथ नहीं है, लेकिन रास्ते नहीं मिले हैं हमको। यात्री हैं, यात्री वाले भैया यात्रियों पकड़ के बोल रहे हैं हमारे साथ में हैं, साथ में है ना हमारे। अरे बिल्कुल आपके साथ साथ हैं, ये सब हमारे साथ साथ चल रहे हैं, आइए आप भी, ये भी हमारे साथ में हैं, हम भी साथ में भैया। कहाँ से हैं भैया? जौनपुर से। जौनपुर से, और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माता रानी के दरबार में जाने के लिए, बहुत अच्छा। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। कर रहे हैं? बहुत अच्छा। कोई कष्ट? कुछ नहीं। कुछ नहीं है ना, बिल्कुल मस्त है ना, एकदम मस्त। अमरनाथ यात्रा गए थे? नहीं नहीं, जाना चाहे अगले साल आप पक्का जाइएगा, देखिएगा कितने वहाँ मजा आता है। मैं आ चुका हूँ अर्धकुमारी काउंटर पे के पास, यहाँ से कुछ दूर ही अब बचे हुए हैं मैया के दरबार में पहुँचने के लिए। अर्धकुमारी मैं पहुँच चुका हूँ, देख रहे हैं आप सब, और देखिए ऊपर वहाँ का नज़ारा, देख सकते हैं मैया का मंदिर ऊपर दिख रहा है, देख रहे हैं किलोमीटर यहाँ पे लिखे हुए माता मैया का जो धर्मस्थल में दिखाई दे रहा होगा, और आपको दिखा रहे हैं यहाँ का व्यू नज़ारा कटरा का, देख सकते हैं कटरा का नज़ारा इस प्रकार से है, और माता रानी का जो है जो मैया जो बैठे हुए हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए चलते चलते एकदम थक चुके हैं लग रहे हैं हमारे भाई साहब, थक गए क्या भैया? नहीं नहीं थके ना, नहीं, थके। नहीं थकना मना है, ठीक है माता रानी दरबार में थकना मना, हाँ थकना मना है, छोटी छोटी कदम उठाते जाइए और बढ़ते जाइए। अर्धकुमारी का मंदिर है देख सकते हैं, कितने भीड़ हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा है। देखिए अर्धकुमारी माता है मैया है जो इस प्रकार से है यहाँ पे, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये है अर्धकुमारी मैया का भव्य मंदिर,
देखिए कितना बेहतरीन, कितना सुंदर, लाखों लाख के जनसंख्या में हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं। देखिए ये यहाँ का नज़ारा है, देख सकते हैं। ये सूचना प्रसारण केंद्र है, ये भवन का रास्ता है। देखिए देखिए कितनी भीड़ है, ये मैया का मंदिर है आगे जो आप देख रहे हैं, अर्धकुमारी माता का जो ये मंदिर है। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ हैं जो इस प्रकार है। ये ही कुलकर्णी माता है, देख सकते हैं। देखिए स्क्रीन में आएंगे, कुछ नहीं दिख रहा है स्क्रीन तेज होने के कारण। मैया के दरबार में जाएंगे, देखिए देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं यहाँ सोना मना है, लेकिन यहाँ यात्री जो है बिल्कुल सो रहे हैं, तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है बोलने का, पढ़े लिखे हैं, देख रहे हैं कि सो करके जाना पड़ता है मैया के दरबार में। देख रहे यात्री, नहीं है बराबर बराबर ले चाहिए, मैं तो तीनों हम उठा पता कर लिया। हाँ सर, क्या करना है? हेलो, हाँ सर, बराबर बराबर डालना, नहीं तो देख क्या सर पटकूंगा उठा उठा के। हेलो, ये सब मत करना यार, सही बता रहा हूँ मैं। अच्छा मैं सर तीन देख रहे हैं, ये बर्गर लिए हैं, ये जो है ये और बराबर वाले कटवाए, नहीं तो तीनों अभी मार पिटाई हो जाएगा। हम तीनों बहुत लड़ते हैं। ओके साहब, जय माता दी। रितेश भाई पूछ रहे हैं कहाँ हो गया। अच्छा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे जो है यहाँ से 1.2.5 किलोमीटर होगा, यानी 1.25 किलोमीटर होंगे। तो ये धर्मशाला है, यहाँ भी आप हॉल्ट कर सकते हैं रात्रि में यदि थक गए तो। ये आगे देख लीजिए, यहाँ पे कैश काउंटर है, कुछ खाने पाने का जो व्यवस्था किया गया, हर एक पॉइंट पे आपको खाने पीने का मिलेंगे, जो मर्जी सो खा सकते हैं। देखिए यह है यात्री, रात के 9 बज चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन जगह है। अभी रात्रि का समय है इस कारण से, नहीं तो आपको नीचे का व्यू दिखाते किस तरह से है। देखिए माता रानी का मंदिर है, कितना सुंदर बेहतरीन लाइटिंग के साथ है। ये माता रानी का मंदिर है, देख सकते हैं। कितनी दूरी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। देख रहे हैं यहाँ पे लिखे हैं जय श्री माता वैष्णो देवी स्थल बोर्ड, पत्थर गिनने के आसान। भक्तगण जो है लाइन में लग के जा रहे हैं दर्शन के लिए, माता रानी के लिए के दर्शन के लिए, देख सकते हैं। देखिए कैसे लाइन में लगे हुए हैं माता रानी के दर्शन के लिए, पहुंच चुके हैं माता रानी के पास। इस तरह से भी जाते हैं, ऊपर से भी जाते हैं यात्री जो, और नीचे से भी जाते हैं, देख सकते हैं आप।
माता रानी के दर्शन के लिए। देखिए वैष्णो माता का मंदिर है जो इस तरह से इतना सुंदर बेहतरीन लग रहे हैं, देख सकते हैं। ये माता रानी का मंदिर है। ये देखिए ऊपर जो आप दिख रहे हैं लाइटिंग है, वहाँ भैरव बाबा हैं और इधर से होते हुए माता वैष्णो देवी का ये जो है वहाँ से लाइन लगते हैं, देख लीजिए वहाँ से। फिर से एक बार दिखाते हैं, ये वहाँ से लाइन लगते हैं वैष्णो माता के दर्शन के लिए। और उधर से इधर आते 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 इधर की ओर आते हैं, फिर जो है इस तरह से इधर को आ जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। ये है माता रानी का मंदिर, बहुत लंबा चौड़ा और भव्य है। ये देखिए ये जो है सामने है, ये है दुर्गा भवन, देख सकते हैं आप, आपके जस्ट सामने ये जो है दुर्गा भवन है। यहाँ का नज़ारा इस प्रकार से है, देखिए यहाँ का दर्शन हो चुका है। करीब 10 बजे मैया के चरणों तक पहुँच गया था, चढ़ते के लिए था, अभी 10:30 बजने को अभी भैरव बाबा के पास जाना है, उनके चरणों तक पहुँचना है। अभी माता रानी का दर्शन हो चुका है। थैंक यू गाइस। ये वैष्णो माता का मंदिर है, देखिए कलर चेंज हो रहा है, कलर जो है ऑटोमेटिक अपने आप चेंज होता है यहाँ पे, इतना बेहतरीन माता वैष्णो माता का मंदिर है। देखिए कलर को, कलर किस तरह से चेंज हो जा रहा है। देखिए रेड हो गया, अभी देख सकते हैं। बहुत बड़ा मंदिर, देखिए चेंज हो गया फिर से कलर। कलर फिर चेंज हो चुका है। देखिए गाइस अभी दर्शन हो चुका है माता वैष्णो देवी का। टाइम बज गया सर, 10:40 हो गया। हाँ देख सकते हैं, देख सकते हैं गाइस, ये रहा माता वैष्णो देवी का मंदिर, दर्शन हो चुका है। ये जो है प्रसादें ले लिया हूँ। ओके गाइस, ये रात्रि के 11 बजने वाले हैं लेकिन भीड़ ख़त्म नहीं हो रहा। माता वैष्णो के दर्शन के लिए यात्री जो बिल्कुल भीड़ है, कितनी है देख सकते हैं, देखिए कितने भीड़ हैं, बिल्कुल माता रानी का दर्शन करके वापस जा रहे हैं। रात्रि के 11 बज चुके हैं लेकिन भीड़ ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ 24 आवर्स यात्रा चालू रहता है, देख सकते हैं। भैरव बाबा का मंदिर है, यहाँ से एंट्री होती है भैरव बाबा का, देख सकते हैं। ये भैरव बाबा का मंदिर है, देख सकते हैं इस साइड में, बिल्कुल भीड़ नहीं है। भैरव बाबा का लंगर का हॉल है, देख सकते हैं,
12 बजने में 10 मिनट अभी बाकी है, अभी 11:50 हो रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से यात्री बिल्कुल अभी भी दर्शन के लिए आए हुए हैं। देखिए ये माता रानी का है, देख सकते हैं। देखिए ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, ये श्री माता वैष्णो देवी जो है बोर्ड की तरफ से हैं। ये भी माता वैष्णो देवी के पास छोड़ते हैं, देख सकते हैं। इसका भी आप सहारा लेके माता वैष्णो देवी तक आप पहुंच सकते हैं। ये अर्धकुमारी से मिलता है ये गाड़ियाँ से, देख लीजिए। देखिए कटरा का सीन नीचे का कितना बेहतरीन है। बिल्कुल लग रहे हैं दिवाली है। गाइस देख रहे हैं हम तीनों दोस्त जो हैं यहाँ पे आके थोड़ा मसाजर ले रहे हैं, क्योंकि थक चुका था बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं मॉर्निंग में निकला था श्रीनगर से वैष्णो माता यानी कटरा होते हुए, जो बहुत शरीर थक चुका था, रेस्ट नहीं मिला था। रात्रि के सुबह के 4:30 बज रहे थे, तो पूरा नींद भी परेशान कर रहा था और शरीर भी थक चुका था, तो सोचा कि थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स किया जाए। तो मात्र 30 रुपीज़ लेते हैं मसाजर का, यहाँ पे 30 रुपये में मसाज करा सकते हैं। बिल्कुल पैर का मसाजर और पीठ का, गर्दन का यहाँ पे होता है, मेन चीज़ का थकान दूर किया जाता है। थैंक यू। यहाँ पे जिस टाइप का फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं उस टाइप का आप खिंचा सकते हैं। देखिए सेटअप कितना तगड़ा रखा है, ये फोटोग्राफर है। देखिए यहाँ पे इस टाइप का फ़ोटो निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से ऊपर की ओर सामान लेके जा रहे हैं। हेलो गाइस, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Thank you.